अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे चैनल वंदे मातरम में आपका स्वागत है। और आज जो है मैंने देसी चिकन मुर्गा बना कर के रेडी किया है। आई होप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मैं पूरे अच्छे तरह से इसको बताने की कोशिश करूँगी किस तरह से बनाने की बनाई है। तो आइए हम देखते हैं कि मैंने इस कोरबा को कैसे रेडी किया है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं देसी मुर्गे की कोरमा। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल जो है वो गरम कर लिया है। इसके बाद कुछ खड़े गरम मसाले हम डाल रहे हैं, जिसमें है 3 से 4 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च, एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा और 3 से 4 तेज पत्ते। थोड़ा सा हम इनको तड़का लेते हैं। अब इसके बाद एक मैंने प्याज ले ली है जो स्लाइसेस में काट ली है और इसे हम अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। देसी चिकन को बनने में टाइम लगता है, तो इसलिए हम जो है सारा मसाला जल्दी से प्रिपेयर करके और उसमें हम अपना चिकन डाल देंगे। तो हम जल्दी से पहले अपनी प्याज जो है उसे फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए मेरी प्याज जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो फ्राई हो रही है। तो मैंने एक प्याज तो आपकी बिल्कुल स्लाइसेस में काट के रखी थी और 3 प्याज जो है वो मैंने कद्दूकस कर लीजिए तो वो डाल दी है। और इसे भी हम अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे। अगर पूरी ग्रेवी के अंदर अगर प्याज आपकी सही तरह से फ्राई हो जाती है तो पूरी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि अगर प्याज में थोड़ा भी पानी रह जाता है या थोड़ी कच्ची रह जाती है तो इसमें क्या है थोड़ा मीठा मीठा सा उसका टेस्ट शुरू हो जाता है। तो इसलिए आप प्याज जो है उसे अच्छी तरह से फ्राई कीजिए। तो ये देखिए मेरी प्याज जो है वो ब्राउन हो गई है। तो इसमें मैं 2 से 3 चम्मच जो है मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया था वो इसमें डाल देती हूँ और इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मेरे लहसुन और अदरक जो है वो भी अच्छा हो गया है। तो इसके बाद मैं अपने बेसिक मसाले इसमें डाल रही हूँ, जिसमें है हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी हम इसमें बिल्कुल भी मैंने पानी नहीं मिलाया है। अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें नमक ऐड करेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। इसके बाद 1 टमाटर जिसकी प्यूरी बना ली है उसे भी मैंने इसमें डाल दिया है, उसे भी मिक्स कर लेंगे। मेरा टमाटर भी अच्छे से गल गया है। इसके बाद इसमें 2 चम्मच के करीब जो है बड़ा 2 चम्मच जो है वो मैंने दही ऐड किया है और उसे अच्छे से हम कंटिन्यूस चलाते रहेंगे, अदरवाइज दही जो है वो फटने के चांसेस हो सकते हैं।
तो इसे हम चलाते रहेंगे और ये देखिए ग्रेवी में कितना अच्छा कलर आया हुआ है। हमारा जो मसाला है वो ऑलमोस्ट हो चुका है। एक से 2 मिनट और इसे अच्छे से पका लेंगे। और ये देखिए मेरी ग्रेवी पर ये देखिए पूरा का पूरा जो ऑयल है वो ग्रेवी ने छोड़ दिया है, तो इसका मतलब है मेरी जो ग्रेवी है वो बन करके रेडी हो गई है। तो इसके अंदर मैं अपना चिकन जो है उसको ऐड कर रही हूँ। और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसमें। अब इसको हम इस मसाले के अंदर जो है वो चिकन को हमें भूनना है। तो गैस को मैं कर देती हूँ मीडियम और इस चिकन को तब तक इसे पकने देना है जब तक कि ये जो ऑयल है वो ऊपर इस पर सर ना आ जाए। एक बार इसे वापस खोल के देख लेते हैं और ये देखिए थोड़ा थोड़ा जो तेल है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा जो ये तेल है वो इसके आसपास आने लगा है। तो इसे हम अच्छे से चला लेंगे अगेन। अब इसके अंदर हम 2 से 3 काजू और 10-12 के करीब हम इसमें मखाने डाल देंगे, साबुत ही डाल देंगे, और इसे भी इसी के अंदर पकने देंगे। देसी चिकन कोरमा जो है वो सेम एज इट इज मटन कोरमा की तरह बनता है, क्योंकि जिस तरह से मटन में टाइम लगता है बनने में उसी तरह से चिकन में भी टाइम लगता है। आप वैसा चिकन लेंगे फार्मिंग तो वो तो आपका 10 से 15 मिनट के अंदर आपका रेडी हो जाता है, पर इसको बनने में आपको कम से कम आधे से पौन घंटे के करीब लगता है। वापस मैं इसे ढककर रख देती हूँ। तो हम वापस इसे देख लेते हैं और ये देखिए पूरी तरह से जो है इसने ऑयल को इसने छोड़ दिया है अच्छी तरह से। तो मेरा जो मसाला है चिकन के साथ वो बन करके तो रेडी हो गया है। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। तो ये देखिए मसाला तो मेरा रेडी हो गया है। अब जो है इसके अंदर हम पानी डाल देते हैं। पानी की क्वांटिटी जो है वो थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि अभी पानी में इस चिकन को बनेगा तो ये काफ़ी रिलीज़ भी हो जाएगा पानी, तो इसलिए जो है हम इसे पानी को थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। तो मैंने इसमें मेरा इतना बड़ा ये ग्लास है तो इसमें मैंने 3 ग्लास जो है वो पानी डाल दिया है। तो अब इसे मैं हाई फ्लेम पर इसे अब हम इसे बनने देते हैं। ये देखिए इस पर तरी कितनी अच्छी आई हुई है, तो इसे हम हाई फ्लेम पर भी इसे बनने देंगे। तो ये देखिए मेरी ग्रेवी के अंदर जो है वो उबाल आ गया है और इसे मैं अब ढक देती हूँ और इसे अगले 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे ऐसे ही ढका हुआ रहने देंगे और 15 मिनट के बाद हम देखेंगे ये बनकर एकदम डन हो जाएगा। मेरे चिकन को गलते हुए 20 से 25 मिनट हो गए हैं और हम देखते हैं।
ये देखिए मेरा चिकन जो है वो ऑलमोस्ट बन कर के रेडी हो गया है। तो इसमें जो है मैं दो लंबी लंबी जो है वो हरी मिर्च डाल दूंगी। तो ये देखिए मेरा देसी चिकन कोरमा जो है वो बन करके रेडी हो गया है। इसके बाद इसमें 1 चम्मच भर के पूरा घर का गरम मसाला है मैंने बनाते हैं उसको मैंने डाल दिया है। ऊपर से इसके ऊपर मैं धनिया डाल देती हूँ और बन गई मेरी सब्जी। आई होप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।